कोरबा जिले के हरदी बाजार बलोदा रोड में हरदी रिसोर्ट ढाबा के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात वाहन ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चपेट में आने वाले युवक का नाम केशव प्रसाद जाटवर है। रायगढ़ जिले की सरिया थाना पुलिस ने दो तस्करों को 2,40,000 रुपए की गांजे के साथ पकड़ा है। इन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से लग्जरी कार में सीट के नीचे माल छिपाया था। दोनों उड़ीसा से गांजा लेकर महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी में थे। कोरबा जिला प्रशासन कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले कर्मचारी ने इसी कार्यालय में कार्यरत महिला सहकर्मी की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला सामने आया है। फोटो वायरल होने के बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के 5 घंटे के अंदर रामपुर चौकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में वाहन पार्किंग का ठेका चलाने वाले ठेकेदार सरफराज नवाज को गाली देकर मारपीट करने वाले दो आरोपी मोहसिन खान व आमिर हुसैन उर्फ अम्मू को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा जिले की पांडितराई पुलिस ने होली के दिन हुई हत्या और शव को जलाने के मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया, पुराने विवाद की वजह से हत्या की गई। रायगढ़ जिले के तमनार पुलिस द्वारा जिंदल कंपनी के प्लांट के पीछे मैदान पर कंपनी द्वारा डंप किए गए कोयले की चोरी में लिप्त एक आरोपी को पकड़ा गया है। मौके से पुलिस द्वारा एक खाली ट्रेलर एवं कोयला लोड ट्रेलर वाहन को पकड़कर 30 टन कोयला जब्त किया गया है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस 229 चेयरमैन की द्वारा एमसीपी कार्रवाई के दौरान 4 कुख्यात माओवादी को पकड़ा गया है। बीते दिन चारों नक्सलियों ने बड़ी वारदात अंजाम देने की साजिश रची थी, जिसमें से एक जवान शहीद हो गया। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कोनपार जंगल से ट्रक में अवैध उत्खनन का कोयला लोड कर परिवहन करते जंगल के रास्ते टेरम जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के ग्राम टपरदा में अवैध रूप से महुआ शराब बनाए जाने की सूचना पर थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा हमरा स्टाफ के साथ रेड कार्रवाई की गई। मौके पर पुलिस को शराब बनाने वाले नहीं मिले। आरोपी द्वारा शराब बनाने के लिए रखा गया 2 क्विंटल महुआ को नष्ट किया गया। दंतेवाड़ा जिले में 19 सूत्री मांगों को लेकर हजारों ग्रामीणों ने कटे कल्याण तहसील कार्यालय का घेराव किया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर पहरा दिया था, लेकिन 26 गांव के सरपंच और सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए। रेलवे के लिए अधिकृत भूमि के एवज में मुआवजा व बोनस की राशि की मांग को लेकर रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ के प्रेमनगर से दुर्गापुर रेलवे के लिए चल रहे ट्रैक निर्माण कार्य पर बुधवार को ग्रामीणों ने रोक लगा दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बोनस सहित जमीन का मुआवजा अभी तक कई किसानों को नहीं मिला है। होली त्योहार के दूसरे दिन गांव पहुंचे तमनार थाने के पुलिस कर्मियों ने एक युवा छात्र की जमकर पिटाई की। गंभीर हालत में छात्र को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। छात्र के पिता ने एसपी से शिकायत कर कहा कि मारपीट के बाद 20 मार्च को तमनार थाने में पदस्थ रोशन त्रिकी ने युवक छात्र के चाचा के मोबाइल पर फोन करके कहा कि जल्दी से 50,000 रुपए लेकर थाने आ जाओ, नहीं तो पीड़ित लड़की की रिपोर्ट पर तुम्हारे भतीजे के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाएगा। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी
PACL के फरार डायरेक्टर अनुराग शर्मा को पंजाब के चंडीगढ़ थाना सेक्टर 49 से गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुराग ने बताया कि निवेशकों के पैसे से मुंबई, दिल्ली व मसूरी में फर्जी कंपनियां बनाकर संपत्तियां खरीदी है। इनमें सुनील मनचंदा निवासी दिल्ली द्वारा जुहू मुंबई में बंगला और होटल खरीदा गया है। जगदलपुर शहर के शांतिनगर इलाके के दुर्गा मंदिर के पास स्थित दवाखाने को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को सील कर दिया है। जिस दवाखाने को सील किया गया वहां गुप्त रोगियों का इलाज चल रहा था। इलाज भी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक BSc पास युवक कर रहा था। बस्तर जिले के 8 बंधुआ मजदूरों को तमिलनाडु से छुड़वाकर वापस बस्तर लाया गया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार सभी मजदूरों को बंधक बनाकर काम करवा रहा था। मजदूरों के परिजनों ने उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी थी। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी KL चरयाणी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश कुमार खाखा ने जिला जेल धमतरी का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में जल की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से नालियों में पानी भरा मिला, इससे बदबू आ रही थी। गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम बोईर गांव में पानी ना लाने की बात पर गुस्से में आकर दो युवकों ने कुल्हाड़ी से वार कर एक की हत्या कर शव को रोड से घसीटते हुए ले जाकर मृतक के घर के सामने फेंक दिया। मैनपुर पुलिस ने हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में ग्राम बनपचरी में सिंचाई के लिए लगाए गए मोटर पंप, केबल वायर एवं 8 नग कॉलम पाइप चोरी कर ले जाने वाले आरोपी नरेश ध्रुव, नागेश्वर ध्रुव एवं बिरजू ठाकुर को पकड़कर पटेवा पुलिस ने इनसे चोरी का सामान जब्त किया है। बलौदा बाजार जिले में कसडोल थाना क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम चकरबाय के दो मासूम बच्चों के हत्यारे गांव के ही 4 अपचारी बालक निकले। हत्या का कारण मृतकों से चारों अपचारी बालकों के बीच आम तोड़ने को लेकर विवाद को बताया जा रहा है। इस दोहरे अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाने में सफलता हासिल की है। आरोपी बालकों में 2 14 वर्ष, 1 12 वर्ष एवं 1 11 वर्ष का बालक शामिल है। कवर्धा जिले की सहसपुर लोहारा पुलिस ने बुधवार को 21 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा उड़ीसा से मंगाया गया था जिसे आरोपी ने बाड़ी में रखे पुआल में छिपाकर रखा हुआ था। बुधवार को बोरियों में भरे गांजे को ठिकाने लगाने की फिराक में थे तभी पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा। शहर के सब्जी व्यवसायी सुरेंद्र गुप्ता का पुत्र बीते 2 महीने से लापता है। परिजनों ने छावनी थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक 2 महीने पहले ही मुंबई से भिलाई लौटा था। इकलौते कमाऊ पुत्र विकास साव के लापता हो जाने से माता पिता का बुरा हाल है। उसकी तलाश में दोनों दर दर भटक रहे हैं। कांकेर जिला पुलिस ने सूने मकान से LCD टीवी की चोरी करने वाले चोरों को पकड़ लिया है। उनके कब्जे से चोरी की टीवी भी बरामद कर चोरों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। MG वार्ड निवासी हीराबाई रजक ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। अंबिकापुर में लखनपुर तहसील के ग्राम गुमदरा क्षेत्र में रात में खनिज वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रैक्टर, एक मिनी ट्रक व एक ट्रक बड़ा डाला अवैध कोला परिवहन करते पकड़ा गया। खनिज विभाग ने सभी वाहनों को जब्त कर तीनों वाहन मालिकों को 3,46,186 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुंगेली जिले के विस्थापित गांव नया जल्दा के बैगा आदिवासी किसानों की पर्ची को कब्जा कर 2 साल से धान बेचने वाले 3 आरोपियों को
खुड़िया पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने की कार्रवाई की थी, लेकिन 6 आरोपी फरार थे जिन्हें बुधवार को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को देवरी खुर्द से भैंसाझार डैम के पास नहर में मछली पकड़ने के लिए गया युवक डूब गया। इसकी सूचना पर रतनपुर पुलिस पहुंच गई थी। देर शाम तक उसकी तलाश की गई। अंधेरा होने के कारण खोज रोक दी गई है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है।